हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है लोकेश और आप सभी का एसएससी बुलेट ट्रेन में स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में स्टार्ट किया था बेसिक इलेक्ट्रिकल के बारे में, वहां पे मैंने जो पूरे बेसिक टर्मिनोलॉजी है बेसिक इलेक्ट्रिकल की वो पूरे डिस्कस की थी। वहां पे मैंने आपको एक वर्ड बोला था इलेक्ट्रिकल एलिमेंट, यानी कौन से एलिमेंट है जो इलेक्ट्रिकल सर्किट में प्रेजेंट होते हैं। जैसे मैंने बोला था रेजिस्टर होता है, इंडक्टर होता है, कैपेसिटर होता है। दोस्तों इनके बारे में जानकारी रखना इम्पोर्टेंट बात है, क्योंकि जो इनके बारे में जो बेसिक इंफॉर्मेशन है आपको पता रहनी चाहिए, क्योंकि ये जो है रेजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर, ये हर एक इलेक्ट्रिकल सर्किट में यूज होते हैं। तो इसको हम वन वन बाय वन देखेंगे। जो आज का जो वीडियो है, आज का वीडियो रेजिस्टर के ऊपर है। तो रेजिस्टर क्या होता है, उस रेजिस्टर के अंदर ही दे चुका है कि रेजिस्टर उसके दे रेजिस्ट रेजिस्ट यानी वो क्या करता है, अपोज करता है। यानी रेजिस्टर का जो बेसिक काम कौन सा है, वो अपोज करना। एक एग्जाम्पल देखते हैं। मान लो कि आप रास्ते से जा रहे हो, रास्ते से जा रहे हो, आपको किसी ने अपोज नहीं किया, यानी आपको किसी ने रेजिस्ट नहीं किया, तो उस केस में क्या होगा, आपको जो लगने वाली एनर्जी है वो कम लगेगी। उसके कारण क्या होगा, जो आप में से जो निकलने वाली जो हीट है, जो हीट भी नहीं निकलेंगी और हीट भी लॉस नहीं होंगी, ठीक है। अगर मान लो दूसरा केस कि अगर आप जा रहे हो और आप अगर किसी ने आपको अपोज किया, तो उस केस में क्या होगा, आपको कुछ तो भी रेजिस्टर आ गया यानी रेजिस्टेंस आ गया, तो क्या होगा, आप में आपके अंदर से जो हीट है वो निकलेगी, यानी हीट क्या होगी, लॉस होगी। बराबर है, वैसे ही काम क्या करता है, रेजिस्टर करता है। रेजिस्टर क्या है, जो इलेक्ट्रॉन जो फ्लो होते हैं सर्किट में उसको अपोज करता है। उसको जैसे अपोज किया तो उसके इम्पैक्ट क्या हो क्या होता है, हीट एनर्जी जनरेट होती है। यानी उस केस में क्या होता है, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्टेड इंटू हीट एनर्जी। एक कौन से केस में होता है, रेजिस्टर के केस में होता है। मान लो आपको एक बल्ब लगाना हो, तो बल्ब लगाने के लिए आपने एक सर्किट डिजाइन किया। बराबर है, सर्किट डिजाइन किया, एक इफ आइडियल कंडीशन रही तो क्या होता, वहां पे जीरो रेजिस्टेंस होता, लेकिन आइडियल कंडीशन पॉसिबल नहीं है। सो क्या होता है, जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस ऑलवेज प्रेजेंट रहता है सर्किट में। सो अगर रेजिस्टेंस सर्किट में प्रेजेंट रहा तो क्या करता है, जो इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हो सर्किट को, उसको क्या करता है, अपोज करता है। यानी रेजिस्टर का मेन फंक्शन क्या है कि वो अपोज करता है इलेक्ट्रॉन को। बराबर है, और अगर मान लो कि एखादी शॉर्ट सर्किट कंडीशन है, हम बहुत बार बोलते हैं कि घर में शॉर्ट सर्किट हुआ, ब्लास्ट हुआ, उसमें उस केस में क्या होता है, जो रेजिस्टेंस की जो वैल्यू होती है वो वैल्यू टोटली जीरो होती है, यानी निग्लिजिबल होती है। और उस केस में जो वोल्टेज है, वोल्टेज की वैल्यू भी जीरो होती है। ये हो गया शॉर्ट सर्किट के बारे में। अगर ओपन सर्किट हुआ, ओपन सर्किट रहा, तो उस केस में क्या होता है, जो रेजिस्टेंस की वैल्यू इंफिनिटी होती है, और उस केस में जो करंट की वैल्यू होती है जीरो होती है। ये रेजिस्टर के बारे में इंपॉर्टेंट टर्म है और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि अगर शॉर्ट सर्किट रहा तो उस केस में क्या होता है, रेजिस्टर की वैल्यू जीरो होती है। अगर ओपन सर्किट रहा तो उस केस में रेजिस्टर की वैल्यू क्या होती है, इंफिनिटी होती है। और शॉर्ट सर्किट में वोल्टेज जीरो होता है, ओपन सर्किट में करंट की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। उसके बाद आता है भाई ओम्स लॉ। ओम्स लॉ सबसे इंपॉर्टेंट लॉ है इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए। इस ओम्स लॉ के बिना कुछ नहीं हो सकता। यानी आपको कोई थ्योरम सॉल्व करना हो, कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना हो, कहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आ गया इंडस्ट्री में, तो प्रॉब्लम आप उनको सॉल्व करना है, तो वहां पे सबसे पहले जो लगता है, सबसे पहले जो यूज होता है, वो यूज होता है ओम्स लॉ। इसलिए जो ओम्स लॉ है इंपॉर्टेंट लॉ है, इसको आपको ध्यान में रखना है। तो ओम्स लॉ क्या बोलता है, अगर एकाध सर्किट है, उस एकाध सर्किट में रेजिस्टेंस प्रेजेंट है, तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस को पोटेंशियल डिफरेंस, यानी मान लो कि ये रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस के अक्रॉस को जो पोटेंशियल डिफरेंस है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग थ्रू द रेजिस्टर। यानी ये लॉ क्या बोलता है, रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो जितना भी पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा टर्मिनल पे, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसको होगा, करंट फ्लोइंग थ्रू द रेजिस्टर। यानी क्या होता है, V इज इक्वल टू IR। यानी ओम्स लॉ क्या हो गया, V इज इक्वल टू IR। लेकिन ओम्स लॉ के बारे में एक इंपॉर्टेंट जो बात है कि ये सब कुछ चलता, ये सब कुछ एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पे चलता है, ये नॉर्मल टेम्परेचर पे नहीं, यानी बिलो नहीं, अबव नहीं, ये चलता है भाई कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पे। इंपॉर्टेंट है ओम्स लॉ के बारे में। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं कि ओम्स लॉ कौन से टेम्परेचर पे वर्क करता है, तो वर्क करता है कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पे। बराबर है, आपको कंडक्टेंस होता है। कंडक्टेंस यानी क्या होता है, जो रेजिस्टेंस है,
रेजिस्टेंस क्या करता है, अपोज करता है, लेकिन कंडक्टेंस क्या करता है, कंडक्टेंस अलाउ करता है इलेक्ट्रॉन को फ्लो होने के लिए, बराबर है। अगर कंडक्टेंस फ्लो अलाउ कर रहा है इलेक्ट्रॉन को फ्लो होने के लिए, यानी क्या होगा, रेजिस्टेंस का क्या होगा, रेसिप्रोकल होगा, रेसिप्रोकल होगा, यानी क्या होगा, जी इज इक्वल टू 1/R, ये हो गया कंडक्टेंस। अगर आपने इस ओम्स लॉ को यानी वी इज इक्वल टू आयर को कंडक्टेंस के फॉर्म में लिखा तो वो क्या हो जाता है, आई इज इक्वल टू जीवी, यानी जो बेसिक ओम्स लॉ है, जो ओम्स लॉ है, ओम्स लॉ क्या है, वी इज इक्वल टू आयर। मगर अगर आपने इस ओम्स लॉ को कंडक्टेंस के फॉर्म में लिखा तो वो क्या हो जाता है, आई इज इक्वल टू जीवी। सो ओम्स लॉ क्या हो गया, वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस across any resistance is directly proportional to current flowing through the resistors, ये हो गया भाई ohms law। उसके बाद एक important relation आता है current density and electric field के इसमें, यानी उस केस में क्या होता है, जो current density होता है, current density यानी क्या होता है, J, current density is directly proportional to electric field होता है at constant temperature, यानी J is directly proportional to E, और जो इधर जो सिग्मा है, सिग्मा क्या होता है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है। मान लो अगर एक कुछ वायर है, वायर की लेंथ है L, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है A, और उसमें से जो करंट फ्लो हो रहा है I, उस केस में क्या होता है, जो करंट डेंसिटी होती है क्रॉस सेक्शनल एरिया पे प्रेजेंट, जो करंट डेंसिटी होती है, वो करंट डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होती है, इलेक्ट्रिकल फील्ड होती है, यानी जे इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई। नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट आता है पावर इन रेजिस्टेंस, यानी रेजिस्टेंस में कितना पावर लॉस होता है। जैसे मैंने पिछले वीडियो में बोला था कि पावर इज द प्रोडक्ट ऑफ वी इनटू आई, प्रोडक्ट किस किस का प्रोडक्ट होता है, वोल्टेज एंड करंट का। यहाँ पे हमने देखा ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या होता है, वी इज इक्वल टू आई आर। अगर आपने इस ओम्स लॉ को थोड़ा आड़ा तीड़ा घुमाया तो क्या होता है, इसमें से आपको वोल्टेज की भी वैल्यू मिल सकती है, करंट की भी वैल्यू मिल सकती है, रेजिस्टेंस की वैल्यू भी मिल सकती है। सो जो बेसिक इक्वेशन है रेजिस्टेंस का, पावर का, वो क्या होता है, P इज इक्वल टू V इनटू I। अगर आपने इस इक्वेशन में डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू पुट की, मानो V की पुट की, I की पुट की, R की पुट की, तो आपको अलग अलग इक्वेशन मिलती है। जैसे कि P इज इक्वल टू I स्क्वायर R मिलता है, P इज इक्वल टू V स्क्वायर बाय R मिलता है, P इज इक्वल टू V स्क्वायर इनटू G मिलता है, G यानी क्या होता है, कंडक्टेंस, और क्या मिलता है, P इज इक्वल टू I स्क्वायर बाय G। ये सब जो है, सब इक्वेशन एक जैसे है, लेकिन ये अलग अलग फॉर्म में लिखे है। सो जो बेसिक है, रेजिस्टर में पावर कितना लॉस होता है, V इंटू आई। नेक्स्ट आता है टेम्परेचर इफेक्ट। टेम्परेचर इफेक्ट यानी क्या होता है, अगर किसी सर्किट का टेम्परेचर बढ़ गया तो उस केस में रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होती है, ज्यादा होती है, ये सब आता है टेम्परेचर इफेक्ट में। अगर आपने कंडक्टर की बात की तो कंडक्टर में क्या होता है, जो टेम्परेचर है एंड रेजिस्टेंस है एक दूसरे को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर सर्किट का टेम्परेचर बढ़ गया तो उस केस में क्या होता है, जो रेजिस्टेंस की वैल्यू भी बढ़ जाती है। अगर टेम्परेचर कम हुआ तो रेजिस्टेंस की वैल्यू भी कम हो जाती है, यानी कंडक्टर में आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी होता है, इसलिए वो क्या होता है, टेम्परेचर इफेक्ट वो पॉजिटिव होता है, बराबर है। अगर आपने सेमी कंडक्टर की बात की, उस केस में क्या होता है, जो टेम्परेचर है एंड रेजिस्टेंस है वो एक दूसरे को इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। इनवर्सली प्रोपोर्शनल यानी अगर किसी सर्किट का टेम्परेचर बढ़ गया हो, किसी सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ गया हो, उस केस में क्या होता है, रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है, कम होती है। और उस केस में जो टेम्परेचर इफेक्ट होता है, वो टेम्परेचर इफेक्ट क्या होता है, निगेटिव होता है। बट कंडक्टर में क्या होता है, कंडक्टर में टेम्परेचर इफेक्ट पॉजिटिव होता है एंड सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर इफेक्ट जो निगेटिव होता है, और जो टेम्परेचर इफेक्ट नेगेटिव होता है। अगर आपने किसी को, अगर आपको, अगर अगर आपको किसी ने बोला कि भाई तेरे को टेम्परेचर कोएफिशिएंट की वैल्यू निकालनी है, यानी टेम्परेचर इफेक्ट कौन सा है, टेम्परेचर कोएफिशिएंट की वैल्यू निकालनी है, वहां इसके लिए एक स्टैंडर्ड फार्मूला है, आर इज इक्वल टू आर जीरो इन ब्रैकेट वन प्लस अल्फा टी वन माइनस टी जीरो। यहाँ पे क्या होता है, जो R2 होता है, R2 होता है हायर रेजिस्टेंस यानी सेकंड वाला रेजिस्टेंस, R0 यानी प्राइमरी रेजिस्टेंस, और जो अल्फा होता है, अल्फा होता है टेम्परेचर कोएफिशिएंट। ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि सर्किट दिया होता, गिवन सर्किट दिया हुआ रहता है, आपको टेम्परेचर कोएफिशिएंट की वैल्यू निकालनी पड़ती है। वहां पे, यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, मान लो
स्लोप है एक कंडक्टर का है। कंडक्टर का क्यों है? क्योंकि जैसे जैसे टेम्परेचर की वैल्यू बढ़ रही वैसे वैसे रेजिस्टेंस की वैल्यू भी बढ़ रही। यानी एक किस में बिलोंग करता है? एक बिलोंग करता कंडक्टर में। मान लो यहाँ पे जो स्टार्टिंग वाला जो टेम्परेचर हो, टेम्परेचर है 0 डिग्री, और जो बढ़ते जा रहा बढ़ते जा रहा बढ़ते जा रहा, एंड में कितना हो गया टेम्परेचर? एंड में टेम्परेचर होगा 15 डिग्री सेल्सियस, बराबर है। ये हो गई टेम्परेचर की बात। उसी केस में क्या होता है, जो टेम्परेचर हो टेम्परेचर रेजिस्टेंस को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। सो जो इनिशियल टेम्परेचर है यानी 0 है, 0 पे जो रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है? 0 पे रेजिस्टेंस की वैल्यू है 30 ओम, बराबर है। अगर और 15 डिग्री सेल्सियस यानी सेकंड जो टेम्परेचर वहां पे जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है, रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी हो गई? 60 ओम। ये सब है इक्वेशन में गिवन होता है। तो आपको यहाँ पे किसकी वैल्यू निकालना है? आपको निकालना है टेम्परेचर कोएफिशिएंट की वैल्यू यानी अल्फा की वैल्यू, बराबर है। तो इस केस में क्या होगा, जो आर वन है आर वन की वैल्यू कितनी है? 60 ओम। आर जीरो कितना है? 30 ओम। और टी वन कितना है? टी वन है भाई 15 डिग्री सेल्सियस। और टी जीरो कितना है? 0 डिग्री सेल्सियस। अगर आपने इस इक्वेशन को पूरा कैलकुलेट किया तो फाइनल इक्वेशन क्या आता है? अल्फा इज इक्वल टू 1/15 इज इक्वल टू 0.060 पर डिग्री सेल्सियस। यानी जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट होता है अल्फा, उस अल्फा का जो यूनिट होता है वो यूनिट होता है पर डिग्री सेल्सियस। ये जो सब हम आज के वीडियो में हमने देखा है रेजिस्टर के बारे में, यानी रेजिस्टर क्या होता है, उसका काम क्या है, और सबसे इम्पोर्टेंट जो आज हमने देखा वो देखा है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ को आपको कभी भी नहीं भूलना, आपको इसको पूरी तरह से ध्यान में रखना है क्योंकि ये सभी जगह काम आता है। जो ओम्स लॉ क्या होता है? वी इज इक्वल टू आयर। और उसके बाद हमने क्या देखा? टेम्परेचर इफेक्ट, यानी कंडक्टर के ऊपर टेम्परेचर का कौन सा इफेक्ट होता है, जैसे कि पॉजिटिव होता है, सेमीकंडक्टर पे कैसा होता है, निगेटिव होता है, ये सब हमने आज की वीडियो में देखा। अगर किसी को इस वीडियो की पीडीएफ लगी तो लिंक में दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें, मैं आपको सॉफ्ट कॉपी दे दूंगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।